IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खेत से अपने घर बाइक से जा रहे एक युवक को आयसर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टोल बचाने के चक्कर में वाहन बोरासा के अंदर से निकलकर जाते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। दरअसल बोरासा का रहने वाला सतीश, पिता सुभाष, उम्र 32 साल, शुक्रवार रात करीब 11 बजे खेत से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, तभी बोरासा के कब्रिस्तान के पास आयसर ने टक्कर मार दी, जिससे सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को मृतक सतीश के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बोरासा थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आयसर वाहन का टायर फट गया था, इसी के चलते हादसा हुआ और बाइक चालक उसकी चपेट में आ गया। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। ये भरासा में कल एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें व्यक्ति मृत हो गया, सतीश पिता सुभाष यादव, जिसका भी PM कराया है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई थाना भरासा करेगा। सतीश सुभाष यादव है, उम्र 32 साल, एक्सीडेंट के बाद यहाँ डेथ बॉडी लाई गई थी। ये बोरासा का मामला सब मेरे परिवार का ही है। ये आए दिन बड़े हादसे होने की शंका, पहले भी CMO को ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले में। टोल टैक्स नाका बचाने के चक्कर में बड़े बड़े टैंकर्स, केरोसिन के बड़ी लोडेड गाड़ी, आयसर वगैरह सब नगर में होके निकलती टैक्स बचाने के। और रात को मेरा भतीजा जब कुएं से घर आ रहा था, तो इधर से लोडेड आयसर गई, टायर फूटने से सीधे उसके ऊपर बाइक से उसका वहीं पे इंतकाल हो गया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ।